बलरामपुर जिले में इन दिनों भूमाफियाओं की दबंगई चरम पर है। माफियाओं के द्वारा बलपूर्वक गरीब आदिवासियों के जमीन पर कब्जा कर अन्य व्यक्ति को बेचना आम सी बात हो गई है। ऐसा ही नहीं, एक मामला सामने आया है जहां जमीन विवाद पर बुजुर्ग आदिवासी महिला के 3 दबंगों के द्वारा जाति सूचक गाली गलौज, छेड़छाड़ व मारपीट की गई, जिसकी शिकायत महिला ने SP कार्यालय व थाने में कर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल पूरा मामला जिले के सामरीपाट थाना क्षेत्र के जमीरा पाट ग्राम पंचायत अंतर्गत बोधी टोला गांव का है, जहां के 11 स्थानीय आदिवासी समाज के 59 एकड़ जमीन को नंदलाल गुप्ता के द्वारा प्लांटेशन कराने के नाम पर एग्रीमेंट कराकर जमीन पर कब्जा कर कुछ दिन पूर्व में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था, जिसे देखकर जमीन के मालिक बुजुर्ग महिला ने तत्काल जमीन पर पहुंचकर जुताई रुकवाया, जिससे आक्रोशित नंदलाल ने गाड़ी रोककर बुजुर्ग महिला को जाति सूचक गाली गलौज के साथ धक्का मुक्की व मारपीट करने लगा। आरोपी ग्रामीणों को अपनी ओर आता देख वहां से फरार हो गया। दीपक, राकेश, उनके चश्मा चश्मी करत रहे, दी रहे काहे जमीन कर बारे। किसका जमीन है? गालो कर है। तो आपका जमीन है तो उन लोग काहे जोत रहे? गाँव का कर जोतत रहे तो मैं उनको तो पहुँच रहा कि चश्मा चश्मी गाड़ी से उतर के करे लगे। शिकायत इतने कंजूस शिकायत कर लो, रामपुर सामरी जा रहा हूँ, कोई सुनई नहीं, कोई नहीं होलक। तो आप क्या चाहत है? निकला चाहती और ये बूढ़ी के खींचत रहे ने, तो मर जात ले गाड़ी भगाई रहे, तो का कर थी कोई के मैं कूद पहुँच लो हथियार मर रहे टांगी मैं जे रह पुटू खोखरी पीछे जात रह, तकर का कर घींचत थी कोई के मुँह जो गेलो, तकर मुँह गेलो से अखन मौके घींचा तीरा करत रहे, राकेश गुप्ता करत रहे और अथी राकेश और दीपक नंदू ये तीनों गो रहे, तीन गो तो ये जमीन तो हमर हके, तो का कर हर बैल चढ़ाला ट्रैक्टर कौन जोते ले कहला कहली हमें बातें रही, हमके चाहती लिखला के ले तो बलरामपुर जा रही सामरी थाना जा रही। तो का बोले थाने में? ओहे तो बोल ही का बोले हैं थाने में? ओहे अखन बोल रहे से आपस हो जाएगा कहला जमीन नखे करल मारखे करल नहीं तो पुलिस मने। और ये जमीन के कोई हमें मन नहीं बेची और वो हमके मन दबावटी करके और 2-3 साल से नंदलाल गुप्ता और अपन ये गुप्ता मन गेम बनाई करके ये नंदलाल गुप्ता राकेश गुप्ता दीपक गुप्ता तो ये हमर दई मने जात रहे पुटू बिनने पहाड़ जात रहे और वहाँ ये मन जात देख लग तो हमर जमीन जोता थी तो हमन जई मना करे कहलक तो जई के कहलक कि मन कि हमर जमीन के तो हमर हम अपन के जमीन हमन बेच नखिए जमीन के तो तुहे मन कैसे जोत था कह के गलक के मन। एकर बाद फिर पीछे से 3 गो आगे रहे फिर 3 गो महिला मन पीछे गलक तो कहलक कि हमर जमीन के कैसे जोत था ते तो हमन जमीन के तोहर मन के तो हमन खरीदी ले ही और रजिस्ट्री हो गलक तोहर मन कर जमीन का हम मन नहीं छोड़ी तोहर मन कर कोई हक पत नखे ऐसे कह के तेकर ये मन के रहे से ये मन के उतरलक और बोले वाला कौन है तोहर जमीन तो बिक्री हो गलक ये हमर जमीन है के कह के मन के धमका धमकू करे लागलक। एकर बाद फिर पीछे से 3 गो महिला जमीरा पाट में लगभग 50 एकड़ जमीन का मामला है जिसमें 10-11 साल पहले इसमें मध्य प्रदेश के जबलपुर के ट्रांसमिशन कंपनी है उसको बिक्री करना और उसके द्वारा खरीदा जाना बताया जा रहा है। इस जमीन को अभी तक गांव के कुछ लोग इस पर कुछ फसल उगाने काम कर रहे थे, अभी वर्तमान में उस जमीन को पूरा सीमांकन करा करके घेरा का काम किया जा रहा था और तब इस घेरा के दौरान में उस गांव के लोग जो उस पर कभी अपना कमाने काम कर रहे थे उनके द्वारा
बताया जा रहा है कि वो जमीन उनके द्वारा बिक्री नहीं किया गया। इस प्रकार से ये विवादित जमीन है। विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर के दो पक्षों के बीच में लगातार विवाद है। इस पर से दोनों पक्ष में कंपनी के पक्ष में जिसमें उसके द्वारा खरीदा जाना बताया जा रहा है, गांव वालों के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा उसको नहीं बेचने की बात बताई जा रही थी। इस प्रकार से उस वो कब्जे को लेकर के एक विवाद पैदा हुआ है और इसमें दोनों पक्षों के द्वारा इस पर शिकायत जांच दिया गया है। उसमें थाना प्रभारी सामने के द्वारा इसमें जांच की जा रही है और अधिपत्य को लेकर के कागजात को पूरा पहले परीक्षण करने के बाद में इसमें आगे कार्रवाई की। सर, महिलाओं के द्वारा छेड़छाड़ धक्का मुक्की का भी आरोप है सर, इस पर क्या कार्रवाई अभी तक? इसमें दोनों जो आवेदन था, दोनों आवेदनों को थाना प्रभारी को भेज दी गई है। जो तथ्य सही पाए जाएंगे उसी अनुसार से वैधानिक कार्रवाई की।